बच्चों, आज कृषि के टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको खाद्यान्न फसलें, जिसमें सबसे पहले मैं आपको गेहूं के बारे में जानकारी दूंगी। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत में ऐसा देश है जहां प्राचीन समय से इसका उत्पादन किया जा रहा है। भारत में गेहूं महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। वर्तमान समय में भारत चीन के बाद गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत में गेहूं उत्पादन एवं उत्पादक क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों में चावल के बाद द्वितीय स्थान है। भारत में गेहूं का उत्पादन शीतकाल यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अधिकतर किया जाता है। देश में उपलब्ध कुल कृषि भूमि के 19.4% तथा खाद्यान्न उत्पादन कुल भूमि के 22% भाग में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसलों की दृष्टि से उत्पादित सभी फसलों के उत्पादन में गेहूं का योगदान 34.9% है। इस दृष्टि से भारत में गेहूं एक मुख्य फसल है, जिसके उत्पादन पर भारत की लगभग 30% जनसंख्या का जीवन निर्भर करता है। भारत में गेहूं की फसल बड़े पैमाने पर पैदा की जाती है, क्योंकि गेहूं के उत्पादन के लिए जो भौगोलिक एवं मानवीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वे सब यहाँ उपस्थित है। जैसे नंबर 1, तापमान। गेहूं समशीतोष्ण जलवायु में पैदा किया जाता है। भारत में गेहूं का उत्पादन अक्टूबर नवंबर से मार्च के मध्य में किया जाता है। इस समय शीत ऋतु होती है, इसीलिए भारत में गेहूं शीतकाल में उत्पादित किया जाता है। गेहूं की फसल को बोने से काटने तक कम से कम वे अधिक तापमान की आवश्यकता रहती है। बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय एवं काटते समय 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है। और ये तापमान जहाँ पर गेहूँ भारत में पैदा किया जाता है, वहाँ पर इस तरह का तापमान पाया जाता है, जिसके कारण गेहूँ की फसल का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है, यानी पैदा किया जाता है। दूसरा आता है वर्षा। गेहूँ की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता रहती है। इससे कम होने पर सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। इससे कम होने पर सिंचाई की जाती है तथा अधिक होने पर गेहूं की फसल के लिए हानिकारक होती है। यानी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, और यदि इससे कम वर्षा होती है तो गेहूं की फसल को सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होती है, और यदि बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो वो भी गेहूं की फसल के लिए हानिकारक होती है। गेहूं की फसल को बोने के कुछ समय बाद चक्रवातीय वर्षा, जिसको महावट होना इसके लिए अति लाभदायक होता है। मिट्टी। गेहूं उत्पादन के लिए नमीयुक्त यानी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें जैविक ह्यूमस की मात्रा अधिक हो, हल्की दोमट
चिकनी उपजाऊ काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ गेहूँ उत्पादक क्षेत्र समतल भी होना चाहिए ताकि आधुनिक कृषि उत्पादक यंत्रों का प्रयोग आसानी से किया जा सके, क्योंकि यदि ऊंचा नीचा भूभाग होगा तो आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने में कठिनाई आएगी। इन कारणों के अतिरिक्त और भी अनेक कारक हैं जो कि गेहूं की फसल के उत्पादन पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं, जैसे सस्ते एवं प्राप्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो भारत के अंदर ये सस्ते मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। गेहूं की फसल के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूंजी होगी तो किसान आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और कृषि का उत्पादन अधिक कर सकेगा। यातायात की सुविधा होगी तभी फसलों को जो उत्पादन होगा उसको दूसरे क्षेत्रों में आसानी से भेजा जा सकेगा, एवं रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता व उत्तम किस्म के बीजों की प्राप्ति ऐसे कारक हैं जिनका गेहूं की फसल पर प्रभाव पड़ता है। जितना वर्षा तापमान मिट्टी का पड़ता है, लेकिन इन कारकों की अनुकूल दशा होने के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। उत्पादित गेहूं को आसानी से मांग के क्षेत्र पर भेजा जाता है। तो इस तरह गेहूं की फसल के ऊपर भौगोलिक एवं मानवीय कारक दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। अब भारत में गेहूं उत्पादन का वितरण। भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से सतलज, यमुना एवं ऊपरी गंगा के मैदानी भाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ प्राप्त जल, उपजाऊ मिट्टी एवं समतल भूमि होने के कारण इस क्षेत्र में भारत में उत्पादित गेहूं का 2/3 भाग उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश, यह राज्य भारत के कुल गेहूं का 30% भाग उत्पादित करके पहला स्थान रखता है। प्रमुख गेहूं उत्पादक के जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वो गंगा, यमुना, घाघरा नदियों के उपजाऊ मैदानी भाग है, जहाँ प्रतिवर्ष नदी अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती है और इस भाग में बिछा देती है। कुल कृषि का भूमि का 32% भाग पर केवल गेहूं की फसल उगाई जाती है। इसी प्रकार पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण राज्य में गेहूं का उत्पादन होता है। बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मुख्य गेहूं उत्पादक जिले हैं। दूसरा आता है पंजाब। इस राज्य में गेहूं प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सर्वाधिक है। कम भूमि पर गेहूं की फसल बोने के बाद भी उत्पादन अधिकता होने का कारण है यह राज्य भारत में दूसरा मुख्य उत्पादक राज्य है। भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 21% गेहूं इसी राज्य में उत्पादित किया जाता है। यहाँ रासायनिक उर्वरकों का अधिकतम उपयोग, उन्नत बीज, नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा एवं उपजाऊ मिट्टी के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। यहाँ गुरुदासपुर, जालंधर, फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा में ऐसे ज़िले हैं जहाँ बड़े पैमाने पर गेहूँ की खेती की जाती है। इसके बाद आता है आपका हरियाणा। पंजाब के समान ही आधुनिक कृषि यंत्रों का अधिकतम उपयोग कर रासायनिक खादों का अधिक उपयोग करके वह उपजाऊ मिट्टी व नहरी सिंचाई की सुविधा के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पर बहुत अधिक है। भारत में गेहूं उत्पादन में इस राज्य का 3रा स्थान है। यहाँ गुड़गांव, हिसार, जिंद, करनाल एवं रोहतक में प्रमुख उत्पादक जिले। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। भारत के कुल गेहूं के उत्पादन का बहुत बड़ा भाग उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। उत्पादित भूमि की दृष्टि से
भारत में इसका दूसरा स्थान है, लेकिन कम उपजाऊ भूमि, उर्वरकों का कम उपयोग, सिंचाई की सुविधा के अभाव के कारण राज्य में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन 1788 किलो की ग्राही है। ग्वालियर, उज्जैन, निमाड़, जबलपुर, रीवा, भोपाल आदि ऐसे भाग हैं जहाँ गेहूं का उत्पादन होता है। राजस्थान, इस राज्य के उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। श्री गंगानगर गेहूं के उत्पादक जिला है। यहाँ राज्य के कुल उत्पादन का 17% से अधिक भाग का उत्पादन किया जाता है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, अलवर अन्य जिले हैं जो गेहूं उत्पादक जिले हैं। बिहार, बिहार में गंगा नदी का मध्यवर्ती मैदानी भाग इन राज्यों में विस्तृत है। यहाँ उपजाऊ भूमि व सिंचाई की सुविधा की अनुकूल परिस्थितियों के कारण गेहूं की खेती की जाती है। मुंगेर, सारण, भोजपुर, बेगूसराय यहाँ के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। अन्य गेहूं उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल में जैसे मुर्शिदाबाद, नदियाँ, वीरभूमि, वर्धमान शामिल है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, मंडी, शिमला जहाँ गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु गेहूं के अन्य उत्पादक राज्य हैं जहाँ गेहूं की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। गेहूं का जो उत्पादन है भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हरित क्रांति के बाद भारत में उन्नत बीज, रासायनिक खाद का उपयोग के कारण आज भारत गेहूं के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है। पहले भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, अर्जेंटीना से गेहूं का आयात करता था, लेकिन वर्तमान में भारत में गेहूं उत्पादन का अधिकतम पड़ोसी देशों को निर्यात करने लगा है, जैसे अफगानिस्तान, कोरिया, बांग्लादेश आदि देश में गेहूं का निर्यात करता है। तो इस तरह भारत की खाद्यान्न फसलों में गेहूं का महत्वपूर्ण स्थान है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। तो धन्यवाद, कल आपको दूसरी खाद्यान्न फसल के बारे में जानकारी दूंगी।